तो नमस्कार, टैप 2022 का फिलअप किस प्रकार करना है उसकी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों मेरे साथ में बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें जिससे किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं सुन पाएं। 13 अक्टूबर को एक आदेश जारी हुआ है शिक्षा विभाग के द्वारा, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि जनवरी से जून 2022 तक का टैप है जो आपको स्टाफ विंडो के माध्यम से फिलअप करना है। तो पहले कुछ इसके दिशा निर्देश समझ लेते हैं, उसके बाद में टैप करने का प्रोसेस समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा आदेश निकाला गया है जो कि 13 अक्टूबर को निकाला गया, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि जो 6 माह के अंतर्गत 6 मई पर टैप का फॉर्म फिलअप होता है, जिससे जनवरी टू जून और जुलाई टू दिसंबर सेशन रहता है, तो इसका अपलोड है वो किस तरह करना है। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र यहाँ पर बताया गया है कि जो माध्यमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा में जितने भी कार्य शिक्षकगण हैं, जो कक्षा 1 से 12 तक का अध्यापन करवाते हैं, उनको शिक्षकों को फिलअप करना है। उसके बाद में संस्था प्रधान है और अन्य जो भी इसके कर्मचारीगण हैं जिनको फिलअप करना होगा इसको टैप को, और प्रत्येक शिक्षक को यहाँ पर देख पा रहे हैं शिक्षक और संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र प्रथम सेमाई यानी जनवरी से जून 2022 का ऑनलाइन भरा जाना है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं जो कर्मचारी L1 और 2 के शिक्षक हैं और संस्था प्रधान हैं जो प्रारंभिक शिक्षा के, यहाँ पर देख सकते हैं उनको 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2022 तक है जो कंप्लीट फिलअप करना है। उसके बाद में जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी जो L1 और 2 के शिक्षक और वरिष्ठ अध्यापक सेकेंडरी टीचर जो भी हैं, उनको 27 से 4 नवंबर तक इनको कंप्लीट करना है, टैप फिलअप करना है। उसके बाद में जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के लेक्चरर हैं या संस्था प्रधान या मॉडल विद्यालय के शिक्षक हैं और संस्था प्रधान हैं, उनको 7 नवंबर से 14 नवंबर तक कंप्लीट रूप से टैप को फिलअप करना होगा। यहाँ पर कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं जिसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन है और आपको स्टाफ कॉर्नर के माध्यम से करना है, स्टाफ लॉगिन से, और इसके ऊपर जो आप टैप फिलअप करोगे इसकी टिप्पणी है जो नियंत्रण अधिकारी जो भी हैं विद्यालय PO या CBO है उनको इनके लॉगिन के माध्यम से करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर PO CBO और ACPO लॉगिन पर उपलब्ध टैप की रिपोर्ट का नियमित अवलोकन कर संबंधित अधिकारी निर्देश संबंधित समस्त शिक्षकों के शिक्षक वरिष्ठ अध्यापक या व्याख्या उनके टैप की फीडिंग किया जाना सुनिश्चित करना है। अब अपन स्टाफ विंडो ओपन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने स्टाफ विंडो ओपन कर दिया गया है और यहाँ से आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पर एक फॉर्म का टैब दिख रहा है आपको, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर एक टैब का टैब नजर आएगा उस पर क्लिक करना होगा। जैसे आपने टैब को ओपन किया है यहाँ पर शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 तक का ये मांग रहा है, यानी कि अभी 1 जनवरी से जून तक का 2022 का अभी अपलोड नहीं हुआ है, बहुत जल्द यहाँ पर है जो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कर्मचारी यूनिक आईडी है, सारी जानकारी NIC ID है, शिक्षक का नाम है, मोबाइल नंबर है, पद है और कार्मिक का मूल विषय कौन सा है, और अगर संस्था प्रधान का कार्य संपन्न करते हैं तो आपको यस करना है, अन्यथा नो करना है, उसके बाद में सत्यापित करना है। और आगे के जैसे ही इसका फॉर्म स्टार्ट होता है हम अलग से वीडियो बनाएंगे उसके अंदर सारा प्रोसेस समझाएंगे आपको। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।